नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, जब जानकारी प्राप्त करेंगे कि सर्वे कब होता है तो दोस्तों इसको जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, सर्वे कब होता है, सर्वे कब होना चाहिए, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में, बहुत सारे सब्सक्राइबर के मन में ये सवाल आते रहता है कि आखिर सर्वे कब होता है। तो दोस्तों, सर्वे का जो एक उचित समय होता है वह होता है कि 25 से 30 साल के अंतराल पर सर्वे होना चाहिए, ये उचित समय सीमा है, ठीक है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाती है, उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती होंगी, या फिर क्या समस्या होती है वो तो सरकार ही जाने, ठीक है। लेकिन जो उचित समय सीमा है वह है 25 से 30 साल के अंतराल पर सर्वे होना चाहिए। लेकिन सरकार को जब महसूस होता है कि अब ज्यादा समस्या उत्पन्न होने लगी है, तब वे जमीन का सर्वे कराने के लिए तैयार होते हैं और सर्वे प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए 25 से 30 साल के अंतराल पर सर्वे किया जाए तो इससे बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे लाभ हैं, बहुत नुकसान से बच सकते हैं, जिसमें कि ये होता है कि सरकार को सभी आंकड़ा समय पर मिल जाता है और उसमें जो है किस कैटेगरी के कौन से जमीन है वो सभी आंकड़ा उसके साथ साथ प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ लोगों के बीच जो विवाद होता है जमीन संबंधित, वो विवाद सुलभ हो जाते हैं, लोगों को कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटना पड़ता है। तो ये सभी फायदे हैं, लाभ हैं सर्वे के, और भी बहुत सारे लाभ हैं। ज्यादातर सरकार को इसके विषय में, सरकार और पब्लिक दोनों सोचे, ठीक है। लेकिन पब्लिक तो मांग ही कर सकती है, सरकार को करना चाहिए समय पर। तो इसमें पब्लिक को भी लाभ है, सरकार को भी लाभ है, इसलिए समय पर सर्वे होना चाहिए। तो इसका अंतराल 25 से 30 साल का है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। Thanks.